हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रदर्स व्लॉग। तो कि फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग या साइकिलिंग करने। और एक बहुत ठंड पड़ रही है और मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई थी और वो करनी माता वाले ब्लॉग में, तो भी थी कि आप आराम भी हॉस्टल में जुड़ जाना, तो मैं उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और गुप्तेश्वर जी का व्लॉग आपको एक महीने बाद मिलेगा, फिर ठंड भी ख़त्म हो जाएगी, फिर आराम से जा भी सकते हैं। मैं अभी भी जा सकता हूँ, मगर साइकिल का डर है कि कोई लेके ना चला जाए। एक तो मेरे साइकिल में ताला भी नहीं है, इसलिए मैं एक महीने बाद लूँगा जितने में मैंने ऑर्डर कर रखा है ताला, तो आ जाएगा। और इसके साथ हम अभी चल रहे हैं यूथ ओके फ्रेंड्स, मैं दो सेकेंड यहाँ पे एक छोटा सा लेबर डॉग रहता था, हमने सोचा था कि उसका भी वीडियो बनाएंगे, मगर वो अभी बाहर चला गया है। और गुप्तेश्वर जी का जो वो दाता हुकम है, श्री दाता हुकम जी, वो 2 साल पहले मर गए थे। और उनकी टोटल एज थी, उनकी टोटल एज कितनी थी, 150 थी टोटल एज उनकी, 150। और यहाँ पे भी हमारे सारे जगह हमारे कुत्ते फैले हुए हैं, जो गुरू के दूसरे बच्चे का नाम है कबरू, वो मैंने इस कुत्ते के नाम से लिया है। और आप देख सकते हैं तीन मेले ब्लैक रंग के, और या सकते हैं कोइंसिडेंस, देखो कोइंसिडेंस। और अभी हम जाते हुए सीधे सीधे चल दो तो अपने जो इन चला, तो फ्रेंड्स हम आपको वापस जाके मिल गए। और फ्रेंड्स ये श्री सोग जी बालाजी, ये बालाजी है, ये वाले गणपति मंदिर तो, और हमारे यहाँ है यार, थोड़ा आगे चल के देता हूँ ना, देखो आप मेरे राम प्याली देख सकते हैं। हम आपको 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो कि फ्रेंड्स अभी हम घाटी चढ़ रहे हैं और करनी माता जितना ऊंचा है उतना ही गुप्तेश्वर जी भी है, कोई यहाँ से दिख रहा नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। और मेरे को मेरी बुआ, मैं छोटे बड़े गीत में बुआ के आ जाऊँगा, और वहाँ का भी फ्रेंड्स कॉलोनी गोकुल विलेज का भी टूर दूंगा आपको। और अपने 14 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 14 अब 15 सब्सक्राइबर हो गए, पहले 14 थे। और हम 30 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। और आप देख सकते हैं वो वाले महाराज जो है ना, उनकी डेथ हुई है, गुप्तेश्वर महादेव, उन्होंने घोर तपस्या की थी जिससे उनको ये महाराज का तब हासिल हुआ है। उनके बाल आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितने लंबे थे।
अपन तो अभी मेडिटेशन करते ही नहीं है, और पहले के ज़माने में इतना मेडिटेशन होता था। ये सारी तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र मंत्र क्या, ये जितनी भी अपनी संस्कृत भाषा है ये सारी मेडिटेशन से हासिल हुई है। मंत्र मंत्र सब ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गदेव धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये मंत्र भी हमने नहीं लिखा है, साधु संतों ने लिख रखा है। और हम वापस से शाम को गौशाला जाएंगे, उसका व्लॉग भी आपको मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन व्लॉग नहीं आया, तो मेरे को सर्दी और मैं बाहर भी गया था। वैसे तो मेरे को एक और जगह का लेना था व्लॉग, मतलब ले तो लिया था मगर अपलोड नहीं कर पाया, जो कि था दूध तले का। और करणी माता से आपने जो लेक्स देख रहे थे वो दूध तले ही है। और आप आना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आप तित्तड़ी, उदयपुर तित्तड़ी ब्रह्मपुरी एड्रेस 1193। वैसे आप किसी से भी पूछ सकते हो कि हनी का रहता है, ऐसे तो मेरी बहुत जगह जान पहचान है अड़ू जैसे लेके रातों पर तक। और आप वो देख सकते हैं, वो गुप्तेश्वर महादेव है। मैं आपको जूम इन करके बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, वो अरे गुप्तेश्वर महादेव। हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर विराजते हैं, क्या चले आगे घर। चलो आपको ब्रिज बता के आता हूँ। चल दीक्षित जान दे तो कि गाइस इसको आप पहचानते हो ना। हेलो गाइस, साले गाड़ी कांटे में फेंक दी तेने। गाइस इसमें मेरी गलती क्या, अंदर घुसेड़ दी साइकिल कांटों के अंदर। बहुत अच्छा हुआ फूटी नहीं, मेरे को लगता है मेरी साइकिल भी इसी ने पंचर की होगी। नहीं नहीं इसने नहीं की होगी, अपने आप कोई आत्मा आई होगी और मेरी साइकिल को पंचर करके भाग गई होगी। तो अभी फ्रेंड्स देख लो, यहाँ पे ऐसे हम इंसान हैं, दो डस्टबिन दे रखे तो भी इतना दूर दूर तक कचरा फेंक रखा है कि आप देख सकते हैं। अब गाली क्यों देता है, गाली गलत कर रहा है। रुक तू तो रुक साले। गाइस इस चोर को पकड़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े विशाल पहाड़ है, इस साइड भी तीनों तरफ से घेरे हुए पहाड़ है। पहले जो ये उत्तरश्री था ये पहले खाली वो वाली जगह थी, फिर उसके बाद वो बनी। और एक ख़ास बात बताता हूँ, गुप्तेश्वर जी के अंदर जो गुफा है ना उसके अंदर जितनी शांति है ना उतनी और कोई भी जगह नहीं है। बस खाली आधा घंटा मेडिटेशन करने से ना तो सुकून मिलता है ना वहाँ पे, क्या बोलूँ मैं। मैंने खुद ने भी कर रखा है, तो साइकिल अभी ऊपर चढ़ाते हैं और चलाना रे ऊपर ला। कांटे ध्यान से देख के लइयो।
और गुफा में इतने सारे चमगादड़ है तो भी हमको कोई हानि नहीं पहुंचाते। और ऊपर एक जर्मन शेफर्ड भी है, डबल कोट, 1 ईयर का। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले तालाब था बहुत बड़ा। हाँ तू कर दे ना, वही रहने दे। यार देख सकते घास उग गई अभी तो, मगर पहले तो था ये नहीं था, डायरेक्ट यू होके जाते थे अंदर ही। अब देख सकते बुलबुल बर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें सांप का डर भी रहता है। वैसे मगरमच्छ यहाँ पे आने तो इम्पॉसिबल है, मगर पहाड़ी एरिया है और आप यहाँ पे टूर करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च मारना और आ जाना। बाप रे कितना गहरा है गाइस, देखो आप, मतलब इतने गहरे में कोई गिर गया ना बचना इम्पॉसिबल टू पॉसिबल नहीं है। हरियाली देखे चलो, इतनी ज़्यादा हरियाली और यहाँ पे शांति देखो। अभी तो शांति और थोड़ी है, वो जब छः टूपर जाएंगे ना तो मतलब घड़ी की टिक टिक की टिक टिक भी आवाज़ सुनते। और ये दीक्षित है मेरा भाई। तो गाइस मेरा भी ब्लॉग ही है, उसको आप सर्च करना और मेरे देखना, ब्लॉग का नाम है दीक्षित आमेटा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ चैनल बंद कर दे, स्ट्राइक पड़ जाएगी। स्ट्राइक तो क्या स्ट्राइक, जैसे आप कमेंट में बताना स्ट्राइक कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है। ओ भाई साहब ऐसे जाना है, तो अभी हम बढ़ते हुए गाइस। भाई तू उधर है ना, तू गाइस गाइस आपको इधर इतना चढ़ना पड़ेगा जितना केदारनाथ भी नहीं चढ़ पाओगे। केदारनाथ तो बहुत दूर है, तो साइका का ध्यान रख। तो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतनी पवित्र जगह पे है, दारू की बोतलें, बिल्कुल शांति को ही भंग कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे रात को पेंथर, लेपर्ड, फॉक्स और भी अलग अलग आते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं यहाँ पे ये, यार इसका नाम नहीं पता यहाँ पे क्या बनता था। अरे यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को तो। हाँ पहले यहाँ पे तंबू लगते थे और इस जगह से रस्सी बांध के यहाँ पे खंभे लगा देते थे। छेद दिख नहीं रहा होगा आपको अभी। और ये छतरी है स्मृति में, सौर श्रीमती पुष्पा देवी धर्म पत्नी, ये खेमराज जी सुथार सौजन्य से सुपुत्र हरिशंकर सुधारवाड़ी वाड़ा तितड़ी 2021। तो इसको बने हुए तो अभी टोटल 50 ईयर्स हो गए हैं, 72 ईयर्स हो गए हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। तो कि गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।